डिशेस में सबका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक इंस्टेंट झटपट ब्रेकफास्ट रेसिपी, जो कि आप किड्स टिफिन बॉक्स में दे सकते हो या पहले ही रात को ये बना के सुबह ये बना के दे सकते हो। इसका बैटर रात को बनाना है, सिर्फ इतना कि सोडा इसमें नहीं डालना है। ये बहुत ही इजी है, वृद्ध लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे लिए है मैंने मीडियम पोहा, उसी के साथ मीडियम सूजी और कर्ड, अगर खट्टा हो तो बहुत अच्छा है। और उसी के साथ लेंगे इनो, खट्टा कर्ड नहीं है देन ओके, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे बोल में मैंने पोहा लिया है और उसको वॉश करके लेंगे। जैसे हम कांदा पोहा बनाते वक्त वॉश करते हैं, वैसे ही वॉश करके इसका पानी सारा ड्रेन आउट करेंगे। लेकिन याद में रखें कि ये 2-3 मिनटों तक ऐसे ही सोक होना चाहिए, ताकि पोहा थोड़ा सा मुलायम बने। बाद में पानी ड्रेन ऑफ कर दीजिए। 2-3 मिनटों के बाद पोहा ऐसी अच्छी तरह से मुलायम बन चुका है। अभी इसमें अभी डालेंगे रवा, उसी के साथ डालेंगे दही। दही अगर खट्टा हो तो टेस्ट अच्छा आता है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। दही डालने के बाद इसमें डालेंगे पहले 2 कप्स वाटर और बाद में इसको अच्छा सा मिक्स दे देंगे और 15 मिनटों के लिए ढक के इसे रेस्ट करने रख देंगे। बाद में हम देखेंगे ये कैसे फूल के आता है। 15 मिनटों के बाद अभी हमारा जो पोहा और सूजी का जो बैटर है वो ऐसे फूल के आया है। अभी एक ग्राइंडर लेंगे, उसमें आधा ये डाल देंगे और उसे उसमें डाल देंगे आधा कप पानी और ग्राइंड करेंगे डोसा बैटर की तरह। देखिए ये बैटर इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए जैसा डोसा बैटर होता है, उत्तप्पा का बैटर जैसे होता है, उसी कंसिस्टेंसी का चाहिए। मुझे सारी प्रोसेस में 2 से 3.5 कप पानी लगा है। आप पानी देख देख के डालिए। पोहा और सूजी का बैटर हो गया है रेडी। अभी इसको थोड़ा सा ऐसे कंसिस्टेंसी का ही होना चाहिए। इसमें डालूंगी अभी सोडा, नहीं तो इनो, नहीं तो बेकिंग सोडा डाल सकते हो आप। उसी के साथ इसमें डालना है हमें नमक स्वादानुसार और इसको मिक्स करना है हल्के हाथों से, ताकि हमारे जो डोसे हैं वो अच्छी तरह से फ्लफी और सॉफ्ट आए। अगर आप ज़ोर से हिलाओगे इसको तो डोसे हमारे फ्लफी सॉफ्ट स्पॉन्जी नहीं आएंगे। और 15 मिनट तक जब ये रेस्ट कर रहा था तब मैंने कट करके लिए है सारे वेजीज, जैसे गाजर को ग्रेट किया है, जो अनियन है उसको महीन कट किया है। जो भी आपको चाहिए वेजिटेबल्स आप ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ मैंने यहाँ पे कुछ मसाले ऐड किए हैं और इनको दे देना है मिक्स, जैसे रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर और सॉल्ट। इंग्रेडिएंट लिस्ट में मैंने दिया है, आप देख लीजिए। अभी एक गैस पे हम पैन रखेंगे नॉनस्टिक, क्योंकि ये नीचे से ना चिपके डोसे इसलिए, और ऊपर से इसको ग्रीस करेंगे ऑयल से और पेपर टॉवल से पोंछ लेंगे। और गैस को मीडियम आंच पे ही रखना है और डोसे का बैटर एक लेडल फुल इसमें डाल के इसको ऐसे स्प्रेड करना है। और ये उत्तप्पा है इसलिए इसे थिक ही हमें स्प्रेड करना है। और सारे साइड से हमें ऑयल डालना है इसमें। ऑयल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे हमारे वेजीज, जैसे गाजर, अनियन, टमेटोज, मिर्चियाँ और कोरिएंडर। आपके पास और कोई सब्जियाँ हो तो वो महीन कट करके डाल दीजिए। जो भी सब्जियाँ आपके बच्चे नहीं खाते तो ऐसे उनको खिलाइए। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है वो बहुत ही इंस्टेंट है, किड्स टिफिन बॉक्स के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, और घर में अगर कोई वृद्ध हो तो उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी होती है, उनके दांतों के लिए भी ये तोड़ने में बहुत ईजी होगा। तो ये हमें 3 मिनटों तक रखना है ढक के, और बाद में 3 मिनटों के बाद इसको ऐसे पलट देना है और ऊपर की जो बाजू है वो भी नीचे से 3 से 4 मिनटों तक अच्छी तरह से हमें कुक करनी है गोल्डन ब्राउनिश कलर। और लीजिए चना, हमारा सुंदर सा पोहा सूजी का इंस्टेंट डोसा है तैयार। तो फ्रेंड्स, ये झटपट इंस्टेंट
पोहा सूजी उत्तपम आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी इस रेसिपी की लिंक शेयर कीजिए और नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट कुकिंग अपडेट्स आप तक पहुंच जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, फिर मिलेंगे।